फाइनेंशियल लेवरेज का आपके आर और आर यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन एक्विटी के साथ भी कुछ लेना देना है मीन्स इफ़ यू आर बोरोइंग मनी आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देनी है तो जब आप आपका रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन एक्विटी को आप अकाउंट फॉर करेंगे तो ये चीज़ उसको इफेक्ट करती है तो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू लुक एट ज़ देर इज़ दिस फॉर्मूला जो अभी आपको देखने को नज़र आ रहा है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन एक्विटी को हमने रिटर्न ऑन एसेट्स और जो इंटरेस्ट रेट आप बियर कर रहे हो फाइनेंशियल लेवरेज करने के लिए वो उसके टर्म्स में आर ओ ई हैज़ बीन एक्सप्लेनड और इस फॉर्मूला से यू कैन हैव एन आइडिया के हाउ दीज टू थिंग्स आर लिंकडअप विद रिटर्न ऑन एसेट्स यानी कि रिटर्न ऑन एक्विटी के साथ में कैसे ये लिंकडअप है रिटर्न ऑन एक्विटी की वैल्यू को ऊपर और नीचे करने में ये मददगार साबित हो सकते हैं तो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू मेक इट श्योर मेक श्योर इज़ अ फर्म हैज़ टू मेक श्योर या हम एक फर्म अगर के लिए फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ देखनी है कि जो हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स है उसकी वैल्यू इंटरेस्ट रेट से बड़ी होनी चाहिए अगर ये बड़ी होगी तो फिर ये जो पूरा आपको राइट right साइड के ऊपर वैल्यूज़ देखने को मिल रहे हैं ये आपको रिटर्न ऑन एक्विटी को इंक्रीज करने में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे सो दैट इज दैट दैट नीड्स टू बी मेड श्योर ऑफ कि आपका जो रिटर्न ऑन एसेट है इट शुड बी ग्रेटर दैन इंटरेस्ट रेट विच यू आर पेइंग जो आपने बोरो किया मनी सो इफ वी लुक एट द ओवरऑल कॉम्पोजिशन ऑफ द फॉर्मूला रिटर्न ऑन एक्विटी कैन बी एक्सप्लेर्म्स ऑफ आर ओ एंड द इंटरेस्ट रेट कि हमने जो डिफरेंस आएगा आर ओ ए एक्सीड करेगा जितने भी प्रपोर्शन से जितनी वैल्यू आर की ग्रेटर होगी इंटरेस्ट रेट से उसको आपने मल्टीप्लाई करना है डेट टू तो एक्विटी रेशो से और इस ये ऐड करके आर में फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस टैक्स रेट से तो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ रिटर्न ऑन एक्विटी सो विद दिस फॉर्मूला वी कैन हैव एन आइडिया दैट हाउ द रिटर्न ऑन एसेट्स एंड ओवरऑल डेट एक्विटी रेशो प्लस द इंटरेस्ट रेट हाउ दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर एंड हाउ इफ यू आर इफ यू वॉन्ट टू मेनटेन अ सर्टन लेवल ऑफ रिटर्न ऑन एक्विटी यू नीड टू वर्क ऑन दीज इम्पॉर्टेंट की फैक्टर्स जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि फर्स्टली वी नीड टू मेक इशोर कि आपका जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो आपके इंटरेस्ट रेट से बड़ा होना चाहिए तो आपकी ये जो डेटाक्विटी uh, रेशो है ये तमाम चीज़ें जो है ये आर को इनक्रीज करने में कंट्रीब्यूट करेंगी अगर ये नेगेटिव है तो ऑब्वियसली फिर उसकी वैल्यू को ये नीचे की तरफ खींचेंगी उसकी वैल्यू नीचे चली जाएगी सो वी नीड टू मेक इट श्योर और जब हम रिलेशनशिप्स देखते हैं अमंग डिफरेंट रेशोज़ तो इन फॉमूलाज की मदद से हमें पता चलता है कि हाउ दीज डिफरेंट कॉन्सेप्ट आर इंटरलिंक विद ईच अदर और किसी एक फैक्टर की वैल्यू की कमी या बेशीश से किस तरह से और फैक्टर्स इफेक्ट होंगे सो दिस इज़ हाउ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला हेल्प्स अस इन हैविंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओवरऑल रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न ऑन एक्विटी रिटर्न ऑन एसेट्स एंड द इंटरेस्ट रेट और हाउ यू आर फाइनेंशियली लेवरेजिंग योर फाइनेसिस और फाइनेंशियल पोजिशन और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ फर्म